हेलो स्टूडेंट्स, जेई क्लासेस मेरठ परिवार में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अंजलि त्यागी और आप मेरे साथ पढ़ते हैं एफसीआईटी सब्जेक्ट। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में क्यों कौन कौन से टाइप थे? वो हमारे तीन टाइप के नेटवर्क थे। एक था हमारा लैन, मैन और वैन। ये हमारे तीन टाइप के नेटवर्क थे जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। और आज हम पढ़ेंगे टॉपोलॉजी और मुझे उम्मीद है आप सभी इस टॉपिक को पढ़ने के लिए भी इंटरेस्टेड हैं। तो चलो पढ़ते हैं क्या होता है टॉपोलॉजी। टॉपोलॉजी क्या होता है? आपका जो आपका नेटवर्क होता है उसका आपका ये लेआउट होता है। क्या होता है? आपके नेटवर्क की आकृति या नेटवर्क लेआउट, नेटवर्क लेआउट है ना। क्या होता है ये? आकृति या लेआउट, ठीक। किसका लेआउट? नेटवर्क का लेआउट। नेटवर्क की आकृति या लेआउट जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है टोपोलॉजी। तो हमारी पांच टाइप की टोपोलॉजी होती है। वो कौन कौन सी टोपोलॉजी होती है हमारी? बस टोपोलॉजी, दूसरी आपकी रिंग टोपोलॉजी, मतलब आपकी नेटवर्क को किस किस तरीके से डिजाइन किया जाता है वो है ये पांच डिजाइन। थर्ड है आपका स्टार टोपोलॉजी, फोर्थ है आपका मैश टोपोलॉजी, और फिफ्थ है आपका ट्री टोपोलॉजी। तो आपकी ये पांच टोपोलॉजी हैं जिनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बस टोपोलॉजी किस तरीके से होती है, रिंग टोपोलॉजी के अंदर नेटवर्क का क्या डिजाइन होता है, क्या लेआउट होता है स्टार के अंदर, मैश के अंदर और ट्री टोपोलॉजी के अंदर। तो अब हम सबसे बात पहले बात करेंगे आपकी बस टोपोलॉजी की। बस टोपोलॉजी की आपकी आकृति कैसी होती है? देखो जो इसकी फिगर है, पहले सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं और उसके बाद हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एक ही तार से कनेक्ट होते हैं इसके अंदर आपके सारे कंप्यूटर्स। इसको क्या बोलती हैं? इसमें दो एंड होते हैं, दो एंड पे दो डिवाइस लगी होती हैं, उन डिवाइसेस को बोलते हैं टर्मिनेटर, टर्मिनेटर। ठीक, ये जो आपके कंप्यूटर्स हैं इनको बोलते हैं वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन 1, 2, 3, 4, ठीक। तो इसमें क्या होता है? इसमें आपके जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, जितनी भी आपके डिवाइसेस के कंप्यूटर्स लगे होते हैं, वो आपके क्या होते हैं? वो सब आपके एक ही तार से जुड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको अलग अलग तार की जरूरत पड़ती है, एक ही तार में वो क्रम में जुड़े होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें स्टार्टिंग एंड में और लास्ट एंड में एक विशेष प्रकार की डिवाइस जुड़ी होती है, और जो विशेष प्रकार की डिवाइस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटर। तो बस टोपोलॉजी की जो आपकी आकृति होती है, बस टोपोलॉजी का जो आपका लेआउट होता है, वो लेआउट आपका इस तरीके का होता है।
में क्या होता है, इसमें आपका इंस्टॉलेशन करना है, तो इंस्टॉलेशन करना है आपकी बस टोपोलॉजी के अंदर बहुत आसान होता है। और दूसरी चीज क्या है इसका, दूसरा लाभ इसका क्या है, दूसरा लाभ इसका ये है कि इसमें रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी की तरह ज्यादा तारों की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा केबल की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही केबल से सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं, सारे कंप्यूटर्स आराम से कनेक्ट हो जाते हैं। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसका है कि यदि एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो आपके बाकी के कंप्यूटर भी काम करना बंद कर देते हैं। क्लियर, क्या है इसमें, यदि आपका एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो बाकी के कंप्यूटर भी आपके काम करने बंद कर देते हैं। क्यों, क्यों बंद कर देते हैं, क्योंकि संचार रुक जाता है ना, जब एक खराब हो जाएगा तो आगे संचार हो ही नहीं पाएगा, संचार रुक जाएगा तो आपका बाकी आगे के सिस्टम काम करेंगे ही नहीं, तो ये इसका ड्रॉबैक होता है। तो क्या होता है, मैं एक बार यहां फिर भी आपको लिख देती हूँ, लाभ क्या है इसमें, इंस्टॉलेशन इजी होता है, आसान होता है, दूसरा क्या है, कम केबल की जरूरत पड़ती है, कम केबल की जरूरत किससे पड़ रही है, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी से, उनकी कंपैरिजन में कम केबल की जरूरत पड़ती है। इसकी हानि क्या बताई मैंने, यदि एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो संचार रुक जाता है, क्लियर। ये थे हमारा बस टोपोलॉजी के लाभ और हानि। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है आपकी रिंग टोपोलॉजी, नेक्स्ट कौन सी है आपकी, रिंग टोपोलॉजी। नाम से क्लियर हो रहा होगा कि इसमें कैसी रहती होगी, लेआउट रिंग के टाइप में, मतलब एक सर्कल के टाइप में, उसको हम सर्कुलर टोपोलॉजी भी इसको हम कहते हैं। जो आपकी रिंग टोपोलॉजी होती है इसमें आपका कोई सेंट्रल या फिर आपका होस्ट कंप्यूटर नहीं होता है, ठीक, स्टार कंप्यूटर की, स्टार टोपोलॉजी की तरह इसके अंदर आपका कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता है रिंग टोपोलॉजी में। जो आपके कंप्यूटर्स जुड़े होंगे वो एक रिंग की आकृति में जुड़े होते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें आपके सारे कंप्यूटर्स इसमें जुड़े होते हैं, एक रिंग की आकृति में जुड़े हुए होते हैं। इसमें कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता है स्टार टोपोलॉजी की तरह, इसमें सभी कंप्यूटर अपने
अधीनस्थ मतलब सबोर्डिनेट कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, जैसे जुड़े होते हैं, ठीक, कोई भी कंप्यूटर नहीं होता है, और सारे जो कंप्यूटर होते हैं सभी कंप्यूटर अपने अपने सबोर्डिनेट कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं, और जो इसमें डेटा का आदान प्रदान होता है वो उसमें सामान्य गति से डेटा का आदान प्रदान होता है। मतलब क्या हुआ, सामान्य गति से, अगर आपके सिस्टम ज्यादा रहेंगे, मतलब आपके अगर ज्यादा कंप्यूटर्स रहेंगे तो आपकी गति कम हो जाएगी, अगर आपके कंप्यूटर्स कम रहेंगे तो आपकी गति ज्यादा हो जाएगी। आपकी जो उसकी स्पीड है डेटा को ट्रांसफर करने की, डेटा को इधर से उधर करने की, वो कैसी हो जाएगी, फिर आपकी ज्यादा हो जाएगी। अगर कंप्यूटर कम होंगे तो स्पीड ज्यादा होगी, अगर इस कंप्यूटर ज्यादा होंगे तो आपकी स्पीड कम होगी। इसकी कुछ लाभ हानि है, इसके लाभ क्या है कि इसके अंदर जो कार्य है कार्य बहुत कुशलता से संपन्न हो जाता है। कार्य बहुत कुशलता से संपन्न हो जाता है। क्यों संपन्न हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं होती है, सभी का कंप्यूटर्स का अपने अपने पास ही कंट्रोल होता है, अपनी मर्जी से जैसे वो चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं, उस तरीके से वो डेटा को आदान प्रदान करते हैं, जिस टाइम पे करना चाहते हैं। तो इसमें क्या है, कार्य बहुत कुशलता से संपन्न हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। इसकी हानि क्या है? ये टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी की कंपैरिजन की तुलना में कम प्रचलित है, ठीक, ये इसकी एक हानि है। दूसरी हानि इसकी क्या है कि इसके अंदर जब हमें सॉफ्टवेयर डालना होता है तो वो जटिल सॉफ्टवेयर होते हैं, जटिल सॉफ्टवेयर होते हैं इसके अंदर, ठीक। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स थे डेफिनेशन में, ये इसके लाभ था, ये इसकी हानि थी। इसकी हानि में ये वाली हानि भी आप लिख सकते हो कि इसकी गति, अगर कंप्यूटर ज्यादा होंगे तो इसकी गति बढ़ जाएगी, कंप्यूटर कम होंगे तो इसकी गति बढ़ जाएगी, और यदि इसके कंप्यूटर ज्यादा होंगे तो इसमें गति घट जाएगी। ये भी इसका एक हानि का पॉइंट हो सकता है कि इसकी गति फ्लक्चुएट करती है, इसकी गति वैरी करती है कंप्यूटर की संख्याओं के ऊपर। तो ये था आपका रिंग टोपोलॉजी, और आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी, जो है आपकी स्टार टोपोलॉजी, और वो आपकी इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी है। नेटवर्क टोपोलॉजी से आपका क्वेश्चन बहुत आराम से क्वेश्चन पेपर में क्रिएट होगा। आपकी जो FCIT की चारों यूनिट हैं, चारों यूनिट ही आपकी इंपॉर्टेंट हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी भी यूनिट में से आपका क्वेश्चन छूटा जाता है, नहीं, आपका हर यूनिट में से क्वेश्चन आते हैं और हर टॉपिक में से आते हैं, चाहे वो एक नंबर में आए। आपसे क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस में आपसे वो पूछ ले, या एक नंबर में वो आपसे पूछ ले कि होस्ट कंप्यूटर कौन सी वाली टोपोलॉजी में होता है, आपको टोपोलॉजी के नाम दे दे, तो उसमें स्टार टोपोलॉजी को आप सेलेक्ट कर देंगे। स्टार टोपोलॉजी के अंदर होस्ट कंप्यूटर होता है, और ट्री टोपोलॉजी के अंदर एक होस्ट कंप्यूटर होता है, तो वहां पे वो आपको या तो ट्री वाला ऑप्शन देगा या फिर स्टार वाला,
दोनों ऑप्शन नहीं देगा वो आपको एक साथ। ठीक, अब हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की, कि स्टार टोपोलॉजी, चलो मैं एरो ही लगा देती हूँ, तभी आप कंफ्यूज हो जाओ। टोपोलॉजी की जो आपकी आकृति होती है, जो आपका लेआउट होता है, वो कैसा होता है? एक स्टार की फॉर्म में होता है। यहां बीच में आपकी एक डिवाइस है, यहां आपके कंप्यूटर लगे हैं। जो आपकी डिवाइसेस होती हैं वो आपकी किस फॉर्म में होती हैं? वो आपकी स्टार की फॉर्म में लगे हुए होते हैं। ठीक, ये है आपका कंप्यूटर। ठीक, ये आपका कंप्यूटर, ये आपका प्रिंटर, ये भी आपका कंप्यूटर और ये भी आपका कंप्यूटर और ये है आपका राउटर। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं, जो आपकी डिवाइसेस होती हैं, वो आपकी किसके थ्रू होती हैं, वो आपकी किस लेआउट में होती हैं? वो आपकी स्टार लेआउट में होती हैं। यहाँ राउटर भी लगा हो सकता है, यहाँ हब भी लगा हो सकता है। ठीक, क्लियर ये चीज? तो आप या तो आप हब लिखना है या फिर आप राउटर लिखना है। तो सपोज करो आपका ये हब हो गया, ये आपका हब हो गया, ये आपके कुछ कंप्यूटर्स हो गए और ये आपका प्रिंटर हो गया। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका एक होस्ट कंप्यूटर होता है, वो एक होस्ट डिवाइस होती है जो आपके बाकी कंप्यूटर्स को कंट्रोल करती है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपका कोई कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं है, आपका एक कंट्रोलिंग कंप्यूटर होता है, जो आपका बीच वाली डिवाइस होती है वो आपका कंट्रोलिंग कंप्यूटर होता है। इसके लाभ क्या है? जो लाइन बिछती है तारों की, क्या है, लाइन बिछाने में इसमें आपकी कम लागत आती है। और दूसरा आपका क्या हो सकता है कि यदि कोई लोकल कंप्यूटर खराब हो जाए तो आपका बाकी कंप्यूटर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि आपका कोई लोकल कंप्यूटर खराब हो जाए तो आपका बाकी डिवाइसेस पे, बाकी नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभावित नहीं होंगे नेटवर्क। यदि कोई लोकल कंप्यूटर खराब हो जाए या डैमेज हो जाए तो नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब आपके नेटवर्क पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, गलत प्रभाव, आपका नेटवर्क प्रभावित नहीं होगा। इसकी हानि क्या है, इसी से आपकी हानि का समझ में आएगा। यदि आपका होस्ट कंप्यूटर, यदि आपका होस्ट कंप्यूटर खराब हो जाए तो नेटवर्क प्रभावित होता है, तो क्या होगा आपका, तो आपका नेटवर्क प्रभावित
होगा, ठीक। लाभ क्या हुए, लाइन बिछाने में कम लागत लगती है, कोई लोकल कंप्यूटर खराब हो जाता है, लोकल डिवाइस कोई खराब हो जाती है तो आपके बाकी के नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई आपका नेटवर्क प्रभावित नहीं होगा। लेकिन यदि आपका मेन कंप्यूटर जो आपका होस्ट कंप्यूटर है वही आपका डैमेज हो जाता है तो आपके नेटवर्क पर असर पड़ेगा, आपका नेटवर्क फेल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मैश टोपोलॉजी की। मैश, मैश से क्या समझ में आ रहा है, ये जो सारे कंप्यूटर होते हैं वो मैश हुए रहते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं मैश टोपोलॉजी के अंदर। बहुत आसान टॉपिक है, अगर थोड़ा सा भी मन लगा के पढ़ लोगे एकदम आपको ये चीजें एकदम क्लियर समझ में आ जाएंगी। देखो बच्चों, मैश टोपोलॉजी आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें ना कंप्यूटर्स का मैश हुआ रहता है, मतलब वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हुए रहते हैं, कि सारे कंप्यूटर्स जो जितने भी इसके अंदर डिवाइस होंगी वो बाकी अदर डिवाइसेस से कनेक्ट हुई रहती हैं। कोई होस्ट डिवाइस नहीं है, ठीक। सबसे पहले हमने ये बनाया और फिर हर एक कंप्यूटर को हम हर एक कंप्यूटर से कनेक्ट कर देंगे। कंप्यूटर वन, कंप्यूटर टू, थ्री, फोर, फाइव और आपका सिक्स, ठीक। इसके अंदर आपके छह कंप्यूटर हैं, छह सिस्टम लगे हुए हैं, वो क्या है, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं सभी आपके कंप्यूटर्स। तो इसके अंदर क्या है, आपका बहुत ज्यादा केबल की जरूरत पड़ती है। मैश टोपोलॉजी के अंदर आपके कंप्यूटर्स कहीं ना कहीं बाकी किसी कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं, जैसे आपका सपोज करो C2 कंप्यूटर है, वो आपका C1 से, C6, 5, 4 सभी से आपका वो कनेक्ट है, तो कहीं ना कहीं वो कंप्यूटर सारे आपके एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं और इसमें आपका वायर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये था आपका मैश टोपोलॉजी। अब हम बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी की। इसके अंदर कोई आपका होस्ट कंप्यूटर नहीं होता है, अब हम बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी की। तो नाम से क्लियर हो रहा है कि एक ट्री की तरह इसमें सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए होते हैं। ये एक ट्री है, इसमें एक सिस्टम जुड़ा है, ये इस कंप्यूटर का, इस ट्री का क्या है, होस्ट कंप्यूटर। ट्री के अंदर होस्ट कंप्यूटर होते हैं, और फिर जैसे ट्री में शाखाएं निकली रहती हैं उस तरीके से इसमें भी शाखाएं निकली रहती हैं। ये एक ट्री की फॉर्म में होता है, इसको बोलते हैं हम ट्री टोपोलॉजी, ठीक। एक ट्री की फॉर्म में है,
ये बाकी इसके वायर हैं, केबल हैं जो इसके तने हैं, और ये जो पत्तियां हैं वो इसकी क्या है, वो इसके कंप्यूटर्स हैं। स्टार टोपोलॉजी की तरह तो इसमें क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी की तरह होस्ट कंप्यूटर होता है, और आपका बस टोपोलॉजी की तरह कंप्यूटर सारे कंप्यूटर्स सारे कंप्यूटर्स एक ही केबल से जुड़े हुए होते हैं, एक ही केबल से जुड़े होते हैं। आप देख रहे होंगे कि एक होस्ट कंप्यूटर है, ये वाला होस्ट कंप्यूटर है, और बाकी सारे कंप्यूटर एक ही केबल से जुड़े हैं, एक ही केबल से जुड़े हैं सारे आपके कंप्यूटर्स ट्री टोपोलॉजी के अंदर। अन्य टोपोलॉजी की अपेक्षा इसमें तार बिछाना तथा इसे कॉन्फिगर करना कठिन होता है। तार बिछाना तथा कॉन्फिगर करना कैसा होता है, कठिन होता है। अन्य टोपोलॉजी की तुलना में तार बिछाना तथा कॉन्फिगर करना इसमें कठिन होता है आपका ट्री टोपोलॉजी के अंदर, क्योंकि ट्री की तरह शाखाएं बनानी है और एक ही केबल से सारे कनेक्ट होते हैं, तो थोड़ा इसमें तार बिछाना मुश्किल होता है, कॉन्फिगरेशन करनी थोड़ी मुश्किल होती है। तो बच्चों ये था आपका नेटवर्क की आकृति और लेआउट कैसे कैसे होते हैं। आपके पांच तरीके के लेआउट होते हैं, और वो पांच तरीके के लेआउट हैं आपके, सबसे पहला है आपका रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, और आपका लास्ट है आपका ट्री टोपोलॉजी। तो ये आपके पांच तरीके से नेटवर्क का लेआउट था जो आज हमने स्टडी की है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये टॉपिक बहुत आराम से समझ में आया होगा। जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगते हैं वो मैं आपको बोर्ड पे लिख देती हूँ। टोपोलॉजी के अंदर आपको आकृति जरूर बनानी होती है, क्योंकि ये टॉपिक ही आकृति का है, मतलब टॉपिक आकृति का कैसे है, किसके अंदर आकृति होती है। ऐसा नहीं है आपने इनकी टोपोलॉजी लिखी और आप इसके बारे में थ्योरी थ्योरी लिखाए और इसका डायग्राम नहीं बना के आए, तो इसमें आपको आकृति जरूर बनानी होगी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे। तो ये था आपका नेटवर्क टोपोलॉजी। अब हम पढ़ते हैं कि इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट क्या होते हैं। इंट्रानेट,
इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट क्या होते हैं। ठीक, ये आपका फोर्थ यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है। आपका टॉपोलॉजी से नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कि इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट क्या होते हैं, इनके इनको डिफाइन करो, है ना। तो ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमारे लिए हमने बहुत बड़ा टॉपिक कवर किया है, जो टॉपिक था हमारा नेटवर्क टॉपोलॉजी, और आज हम उसी को अच्छे से पढ़ेंगे, उसी का रिवीजन करेंगे। तो आज के लिए बच्चों आपका वो टॉपिक काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंट्रानेट, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट क्या होते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, क्यों जरूरी होते हैं। तो हम इन सब की डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और घर वालों का भी ध्यान रखो। कहना मानते हैं घर वालों का, कुछ घर के काम भी करा दिया करो और अपनी पढ़ाई भी करते रहना, है ना। आपके शायद दिसंबर जनवरी में एग्जाम होंगे, सेमेस्टर एग्जाम, तो तब तक आप अपना ये सब प्रिपेयर भी करते रहिए साथ साथ। ओके, थैंक यू क्लास, बाय।